नमस्कार दोस्तों, दोस्तों अगर आपको मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 51वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 के 51वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस के सामने श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, खतरनाक फॉर्म में चल रहे फिलिप साल्ट और सुनील नारायण की इस जोड़ी पर फिर एक बार अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन कोलकाता की इन उम्मीदों को मुंबई की तेज गेंदबाजी ने पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पारी का पहला ही ओवर डालने आए नुवान तुषारा ने गजब के फॉर्म में चल रहे फिलिप साल्ट को पारी के पहले ही ओवर में तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। फिलिप साल्ट 3 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। फिलिप साल्ट के आउट हो जाने के बाद अब कोलकाता की टीम की तरफ से अनक्रिश रघुवंशी को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और अनक्रिश रघुवंशी ने आते ही मुंबई की गेंदबाजी पर 2 शानदार छक्के लगा दिए थे। लेकिन फिर एक बार पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए नुवान तुषारा ने अनक्रिश रघुवंशी को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। अनक्रिश रघुवंशी 6 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुंबई की गेंदबाजी को कोलकाता के 2 बड़े विकेट शुरुआत में ही मिल चुके थे। मुंबई की तेज गेंदबाजी गजब के फॉर्म में दिख रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे, लेकिन नुवान तुषारा ने अपनी इसी ओवर में कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर को भी टीम डेविड के हाथों कैच आउट करके कोलकाता के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। कप्तान श्रेयस अय्यर 4 गेंद में बस 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब कोलकाता की टीम बड़ी मुसीबत में थी। नुवान तुषारा ने कोलकाता की टीम को अब बहुत ही ज्यादा दबाव में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए वेंकटेश अय्यर मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या गेंदबाजी पर आए और कप्तान हार्दिक पांड्या ने खतरनाक फॉर्म में चल रहे सुनील नारायण को क्लीन बोल्ड कर दिया। सुनील नारायण 8 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की पूरी बल्लेबाजी बैकफुट पर थी। अब मुंबई की गेंदबाजी ने सभी को हैरान कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे और फिर यहां से वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह ने मिलकर कोलकाता की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन अब मुंबई की स्पिन गेंदबाजी की बारी थी और फिर पारी के 7वें ओवर में गेंदबाजी पर आए पीयूष चावला ने रिंकू सिंह को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। रिंकू सिंह इस मुकाबले में 8 गेंद में बस 9 रन बनाकर आउट हो गए। अब कोलकाता की आधी टीम आउट हो चुकी थी, पूरा मुकाबला पलट गया था। अब बल्लेबाजी के लिए मनीष पांडे को भेजा गया और फिर यहां से मनीष पांडे और वेंकटेश अय्यर ने कोलकाता की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। मुंबई की गजब की गेंदबाजी की वजह से अब कोलकाता की टीम लड़खड़ा चुकी थी, लेकिन फिर भी वेंकटेश अय्यर और मनीष पांडे की इस जोड़ी ने गजब की बल्लेबाजी करते हुए अब कोलकाता के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया और सेट हो जाने के बाद मुंबई की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना भी शुरू कर दिया। वेंकटेश अय्यर और मनीष पांडे की इस जोड़ी ने अब कोलकाता की टीम को दबाव से बाहर निकाला था। तो वही पारी के 12वें ओवर में मनीष पांडे और वेंकटेश अय्यर ने गेराल्ड कॉटजे को 1 चौका और 1 छक्का लगाते हुए इस ओवर में 15 रन बना लिए। अब दबाव मुंबई की गेंदबाजी पर था। इस जोड़ी ने अब पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। शुरुआत में खतरनाक दिख रही मुंबई की गेंदबाजी अब इस कोलकाता की इस साझेदारी के सामने बैक फुट पर दिखने लगी थी और फिर इसी बीच वेंकटेश अय्यर ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। वेंकटेश अय्यर और मनीष पांडे ने मिलकर अब अपनी टीम को 140 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर तभी पारी का 17वां ओवर डालने आए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने सेट हो चुके मनीष पांडे को डिवोल्ड ब्रेविस के हाथों कैच आउट कर दिया। मनीष पांडे 31 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर कोलकाता की इस बड़ी साझेदारी को तोड़ दिया था। अब कोलकाता के सबसे खतरनाक बल्लेबाज आंद्रे रसल मैदान में उतरे और आंद्रे रसल ने आते ही पहली ही गेंद पर गजब का छक्का लगा दिया। लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी इसी ओवर में आंद्रे रसल को रन आउट कर दिया। आंद्रे रसल इस मुकाबले में 2 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान हार्दिक पांड्या की इस ओवर में कोलकाता को 20 रन मिल गए थे, लेकिन इस ओवर में मुंबई की टीम को भी कोलकाता के 2 बड़े विकेट मिल चुके थे।
अब मैदान पर रमनदीप सिंह उतरे थे, लेकिन तभी उसका अगला ही ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह ने रमनदीप सिंह को गैराल्ड कॉटजे के हाथों कैच आउट कर दिया। रमनदीप सिंह 4 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इसी ओवर में जसप्रीत बुमराह ने नए बल्लेबाज मिचेल स्टार्क को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। मिचेल स्टार्क तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए, अब कोलकाता के पास बस एक ही विकेट बचा था। सभी की नजरें अब वेंकटेश अय्यर पर टिकी हुई थी और वेंकटेश अय्यर ने अंत में शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई, लेकिन आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह ने फिर एक बार अपनी टीम की वापसी करवाई और इस ओवर में वेंकटेश अय्यर को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। वेंकटेश अय्यर ने इस मुकाबले में 52 गेंदों में 70 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और फिर अंत में इसी पारी के चलते कोलकाता की टीम ने 169 रनों का एक बड़ा लक्ष्य मुंबई की टीम के आगे रखा। उसके बाद कोलकाता से मिले 170 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने मुंबई के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ईशान किशन और रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और मुंबई की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। ईशान किशन ने तो पारी के दूसरे ओवर में मिचेल स्टार्क को एक चौका और गजब का छक्का लगा दिया था, लेकिन मिचेल स्टार्क ने इसी ओवर में ईशान किशन को क्लीन बोल्ड कर दिया। ईशान किशन इस मुकाबले में 7 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। ईशान किशन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब मुंबई की टीम की तरफ से नमन धीर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन नमन धीर को भी कोलकाता की स्पिन गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने अपनी इस मुकाबले की पहली ही गेंद पर नमन धीर को क्लीन बोल्ड कर दिया। नमन धीर इस मुकाबले में 11 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता को अब एक के बाद एक 2 बड़े विकेट मिल चुके थे। मुंबई की बल्लेबाजी दबाव में दिखने लगी थी। अब मैदान पर सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने आए, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके रोहित शर्मा को सुनील नारायण ने मनीष पांडे के हाथों कैच आउट कर दिया। रोहित शर्मा 12 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुंबई की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। कोलकाता की स्पिन गेंदबाजी ने आते ही पूरा मुकाबला बदल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए खतरनाक फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा मैदान में उतरे, लेकिन तिलक वर्मा को भी वरुण चक्रवर्ती ने सुनील नारायण के हाथों कैच आउट करके मुंबई के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। तिलक वर्मा इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुंबई की टीम इस मुकाबले में पूरी तरह बैकफुट पर थी। कप्तान श्रेयस अय्यर अपने गेंदबाजों से बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए निहाल वधेरा को मैदान में भेजा गया और फिर यहां से सूर्य कुमार यादव और निहाल वधेरा ने मिलकर मुंबई की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए सुनील नारायण ने निहाल वधेरा को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। निहाल वधेरा इस मुकाबले में 11 गेंद में बस 6 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई के लिए इस मौके पर कुछ भी सही नहीं हो रहा था। कोलकाता की गेंदबाजी ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया था। अब मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे, लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या भी इस मुकाबले में नाकामयाब रहे और उन्हें आंद्रे रसेल ने मनीष पांडे के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान हार्दिक पांड्या से इस तरह के प्रदर्शन की इस महत्वपूर्ण मौके पर किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। जिस समय पर मुंबई को अपने कप्तान की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय पर भी हार्दिक पांड्या ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई थी। मुकाबला पूरी तरह कोलकाता की अब कब्जे में था। अब बल्लेबाजी के लिए टीम डेविड मैदान में उतरे। अब सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव और टीम डेविड की इस जोड़ी पर ही मुंबई की इस मुकाबले में जीत या हार टिकी हुई थी। और फिर यहां से सूर्य कुमार यादव और टीम डेविड की इस जोड़ी ने गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई। खास करके सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में मुंबई के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आए वैभव अरोरा की इस ओवर में सूर्य कुमार यादव ने 3 चौके और एक गजब का छक्का लगा दिया था। इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। अब कहीं ना कहीं मुंबई की इस मुकाबले में उम्मीदें जागने लगी थी। सूर्य कुमार यादव के बल्लेबाजी से कोलकाता की गेंदबाजी डरने लगी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए आंद्रे रसेल ने सूर्य कुमार यादव को फिलिप साल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव 35 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव का यह विकेट मुंबई के लिए एक बड़ा झटका था। कोलकाता की गेंदबाजी ने फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए गैराल्ड कॉटजे मैदान में उतरे थे। अब आखिरी 4 ओवरों में मुंबई को जीत के लिए 46 रनों की जरूरत थी। अब मुंबई के लिए टीम डेविड ही एक आखिरी उम्मीद मैदान में बचे हुए थे, लेकिन अब इस पारी का 17वां ओवर मिचेल स्टार्क डालने आए। लेकिन मिचेल स्टार्क ने इस ओवर में गजब की गेंदबाजी करके दिखाई और टीम डेविड और गैराल्ड कॉटजे को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया और इस ओवर में मुंबई को सिर्फ 3 ही रन मिले।
अब मुंबई को जीत के लिए आखिरी तीन ओवरों में 43 रनों की जरूरत थी। मुंबई को प्लेऑफ्स के दौड़ में जीवित रहने के लिए यह रन बनाने बहुत ही जरूरी थे। अब गेंदबाजी के लिए आंद्रे रसेल आए और आंद्रे रसेल की इस ओवर में गेराल्ड कॉट्जे ने एक शानदार छक्का लगा दिया और इस ओवर से मुंबई को 11 रन मिल गए। अब मुंबई को आखिरी दो ओवरों में 32 रनों की जरूरत थी। अब फिर एक बार मिचेल स्टार्क गेंदबाजी पर आए थे और मिचेल स्टार्क की इस ओवर की पहली ही गेंद पर टीम डेविड ने एक शानदार छक्का लगा दिया था। दबाव मिचेल स्टार्क पर दिख रहा था, लेकिन मिचेल स्टार्क ने अपने इस ओवर की अगली ही गेंद पर मुंबई की आखिरी उम्मीद टीम डेविड को कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कर दिया। टीम डेविड इस मुकाबले में 20 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुंबई के हाथ से यह मुकाबला निकल चुका था। मिचेल स्टार्क ने अपनी टीम की अब इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी, तो वही मिचेल स्टार्क ने उसकी अगली भी गेंद पर पीयूष चावला को सुनील नारायण के हाथों कैच आउट कर दिया। पीयूष चावला तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए और फिर मिचेल स्टार्क ने अंत में गेराल्ड कॉटजे को भी क्लीन बोल्ड करते हुए मिचेल स्टार्क ने अपना इस मुकाबले का चौथा विकेट हासिल कर लिया। तो वहीं इसी के साथ मुंबई की टीम को कोलकाता की टीम ने 24 रनों से हराकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, मुंबई को उन्हीं की सर जमी पर हराकर श्रेयस अय्यर और उनकी इस कोलकाता की टीम ने एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। लेकिन मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या इस हार के बाद पूरी तरह टूट चुके थे, क्योंकि अब मुंबई की टीम पहली टीम बन गई थी जो इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी। लेकिन मुंबई को हराने में कोलकाता के एक सबसे दिग्गज गेंदबाज ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई और वह थे कोलकाता के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क। जी हाँ दोस्तों, मिचेल स्टार्क ने इस मुकाबले में मुंबई की शानदार बल्लेबाजी के सामने अद्भुत गेंदबाजी करके दिखाई और मुंबई के 4 बड़े विकेट निकाले। और मिचेल स्टार्क की इसी गजब की गेंदबाजी की वजह से कोलकाता की टीम यह रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आपको मिचेल स्टार्क की यह धमाकेदार गेंदबाजी कैसी लगी और आप उन्हें इस अद्भुत गेंदबाजी के लिए 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।